हेलो गाइस, दिस इज कुनाल। वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद कुनाल 404। सो गाइस, आज हम सीखेंगे जे क्वेरी एंसेस्टर्स मेथड, जो कि हमारे ट्रैवर्सिंग का एक मेथड में टॉपिक आता है। तो देखते हैं गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट और शेयर भी करें, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि हमारा जे क्वेरी एंसेस्टर्स। इसमें हमारे तीन टॉपिक आते हैं, जो कि है पेरेंट्स, पेरेंट, पेरेंट्स अंटिल। ये हमारे मेथड है गाइस एंसेस्टर्स के। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चाइल्ड के पेरेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट के पेरेंट को एक्सेस करना, तो हम सिंपली पेरेंट मेथड का यूज करेंगे। अगर हम चाहते हैं चाइल्ड के, किसी पर्टिकुलर चाइल्ड के जितने भी पूर्वज हैं या पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड फादर जो भी हैं, उन तो उन्हें एक्सेस करने के लिए गाइस सिंपली हम पेरेंट्स मेथड का यूज करेंगे। तो उन्हें यूज करने के लिए सिंपली हम अपने वीएस कोड पे चलेंगे और देखेंगे ये किस तरह से वर्क करता है। सिंपली हमने वीएस कोड पे आ गए गाइस। ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बना रखा है, मैं दिखा देता हूँ, मैंने सीएसएस के थ्रू बनाया है। तो अगर आपको सीएसएस आती होगी तो आप ये जरूर बना लेंगे। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पे, देन इन तीन मेथड को ट्राई करके देखते हैं गाइस। ये तीन मेथड है। तो गाइस, हम सबसे पहले अपनी जेक्वेरी की जो लाइब्रेरी से अटैच कर लेंगे, देन उसके बाद स्क्रिप्ट लिखेंगे और उसके बाद हम सिंपली स्पैन टैग को कॉल करेंगे, जो कि हमारा चाइल्ड है। आप जैसे देख सकते हो ब्राउजर पे, ये हमारा चाइल्ड है, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसके पेरेंट कौन है, पर्टिकुलर पेरेंट, ओनली पेरेंट। मैं चाहता हूँ ओनली पेरेंट कौन है, मैं नहीं चाहता कि ग्रैंड पेरेंट कौन है। मैं सिंपली चाहता हूँ कि स्पैन टैग का पेरेंट कौन है, मुझे देखना है कि ये एक्सेस करके कैसे दिखाता है, ठीक है। तो सिंपली मैं पेरेंट मेथड का यूज करूंगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि पेरेंट मेथड कुछ इस तरह से लिखना है। और देन मैंने एक्सेस तो कर लिया है, अब देन मैं चाहता हूँ ब्राउजर पे किस तरह से हमें शो हो जाए कि हाँ भाई ये इसका पेरेंट है। तो सिंपली आप क्या करोगे, सीएसएस लगाओगे, देन इसके बाद आप सिंपली कुछ नहीं करोगे, बॉर्डर दे दोगे। अगर ये एक्सेस कर लेता है तो उसका बॉर्डर हो जाना चाहिए 2 pixel solid red। सिंपली गाइस और कुछ नहीं। जब मैं इसे रिलोड करूंगा गाइस कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हैं गाइस, इसने मुझे बता दिया है कि li list tag इसका पेरेंट टैग है, ठीक है। क्योंकि मैंने जो लिस्ट टैग है स्पैन टैग से पहले यूज करा हुआ है, ये मेरा पेरेंट है, ठीक है, स्पैन टैग का। तो ये मुझे ब्राउजर ने बता दिया है फैच करके कि हाँ भाई ये इसका पेरेंट है। अब मैं चाहता हूँ गाइस, स्पैन टैग के जितने भी एंसेस्टर्स हैं, मतलब पूर्वज हैं, जितने भी पेरेंट्स के पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट जो भी है, सबको एक्सेस करके दिखाए। तो सिंपली गाइस आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कमेंट कर देना है, क्योंकि अगर आप एक साथ दो मेथड को यूज करोगे तो वो भी रन होगा और ये भी रन होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये कमेंट में धर देना है। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, एक न्यू लाइन लिखनी है जिसमें आपको क्या करना है, स्पैन टैग के जितने भी पेरेंट्स हैं उनको इन्वोक करना है। हमने इन्वोक तो कर लिया, देन उसमें सीएसएस लगानी है कि उनकी बॉर्डर जो है ब्लू हो जाए, बॉर्डर जो है वो हो जाए ब्लू, 2 pixel solid blue, ठीक है, ये सॉलिड ब्लू हो जाए। मैं चाहता हूँ इनके जितने भी पेरेंट्स हैं स्पैन टैग के, एक तरह से आप समझ लो इस बॉय के जितने भी पेरेंट्स और ग्रैंड फादर जो भी हैं सब एक्सेस हो जाए, ठीक है। तो ये मैं रिलोड कर देता हूँ गाइस, आप देख सकते हो जितने भी ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट जितने भी हैं सबकी लाइन जो है बॉर्डर लाइन वो ब्लू हो चुकी है, लेकिन यहाँ स्पैन टैग ब्लैक है क्योंकि ये चाइल्ड है। हमने कमांड क्या डाली है कि इस चाइल्ड के जितने भी ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स जितने भी एंसेस्टर्स हैं उन्हें एक्सेस करना चाहते हैं, तो सिंपली हम पेरेंट्स मेथड का यूज करेंगे। देन उसके बाद गाइस हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है पेरेंट्स अंटिल। वो क्या काम करता है गाइस, सिंपली आप चाहते हो कि मुझे जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स स्पैन के जितने भी डिव तक हैं उसके बीच के कितने पेरेंट्स हैं, मैं चाहता हूँ स्पैन चाइल्ड के डिव पेरेंट तक जितने भी बीच के पेरेंट हैं वो कितने हैं, उन पे लाइन ब्लू हो जाए। तो सिंपली गाइस मैं क्या करूंगा, यहाँ पे न्यू लाइन डालूंगा जिसमें मैं डालूंगा स्पैन और यहां लिखूंगा सिंपली पेरेंट्स अंटिल। पेरेंट्स अंटिल के बाद सिंपली गाइस मैं लिख दूंगा डिव, क्योंकि मुझे स्पैन चाइल्ड और डिव पेरेंट के बीच के जितने भी पेरेंट हैं उन्हें एक्सेस करना है। तो सिंपली मैं यहाँ सीएसएस लगा दूंगा गाइस कुछ इस तरह से, बॉर्डर दे दूंगा, आप कोई सा भी कलर दे सकते हैं, मैं दे दूंगा 2 pixel solid green, वो ग्रीन हो जाए सिंपली, ठीक है। तो गाइज इसे रन करा के देखते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो जितने भी स्पैन टैग और डिव टैग के बीच के भी जितने भी टैग है वो सब पेरेंट्स हैं स्पैन टैग के। तो ये पेरेंट्स को एक्सेस करके दिखा रहा है थ्रू पेरेंट्स अंटिल मेथड के,
ठीक है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो वीडियोज को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।